सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। तो हमारी सनातन परंपरा के एक ऐसे आदर्श महापुरुष जिन्हें 16 कलाओं का पूर्ण अवतार भी माना जाता है, उन्होंने कुरुक्षेत्र के रण में गीता जैसा उपदेश दिया जो जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारे काम आता है, चाहे हम बालक हों उस समय भी, चाहे हम युवावस्था में हों उस समय भी, फिर चाहे हम वृद्धावस्था में हों। ऐसे ही हम जीवन के अलग अलग कार्यों में, जब हम परिवार के संबंधों में व्यवहार कर रहे हों, बाहर के अपने अलग अलग कार्य कर रहे हों, सब जगह हमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आती है। उस कठिनाई से हम कैसे पार पाएं, उसका समाधान कैसे करें और कैसे सब संसार के बीच में रह कर के भी और संसार से ऊपर की ओर उठें या संसार से उन्नत हो जाएं, इस बात का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया। तो इसी उपदेश को लेते हुए श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के विषय में बताया हुआ है। दैवी संपत्ति से युक्त मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने हमको बताना चाहा है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को एक अच्छा, उन्नत और हितकारी बनाना चाहता है, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा करना चाहता है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे अभी भी हम अलग अलग कार्यों को करते हैं तो हम अपने विचार करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें जो है इस प्रकार से बोलना चाहिए, ऐसे उठना बैठना चाहिए, छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि आखिर दिव्यता की प्राप्ति के लिए हमारे में क्या क्या गुण होने चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि हमको जानना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति दिव्य है, अदिव्य है, सामान्य है, विशेष है, कैसा है, तो किसी भी मनुष्य की सामान्य विशेषता इनको दिखाने के लिए उसका बाह्य स्वरूप पर्याप्त नहीं होता है। किसी व्यक्ति को देख मात्र के कि इसने वस्त्र कैसे पहने हैं, है ना, इसने अपना साज श्रृंगार कैसे किया है, इन बातों को देख करके हम व्यक्ति को समझ नहीं सकते, वो तो कोई भी कर लेगा। अपितु वास्तव में यदि व्यक्ति को जानना, यदि हमें समझना है कि भाई जी मेरे सामने जो ये बहन बैठी हुई है इसका मन कैसा है, इसने अपनी आत्मिक उन्नति कितनी की है, ये जीवन में कितना अधिक सफल हो सकती है, ये सारी बातें यदि जाननी है तो हमें उसके स्वभाव को, उसके आचरण को निरंतरता से देखना होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आखिर दैवी संपत्ति से युक्त मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। तो युक्त मनुष्य के लक्षण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ श्लोक कहे हैं और श्लोकों के माध्यम से उन्होंने कुछ गुणों को गिनाया है। हमारी संस्कृति में श्लोकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, यानी कि काव्यात्मक रूपों में, काव्यात्मक ढंग से गूढ़ रहस्य को भी कह दिया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि यदि कोई चीज़ गाने में आ जाए या संगीतमय हो जाए तो उसका ग्रहण मनुष्य को शीघ्रता से हो जाता है। वही यदि कोई सामने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया गया हो
उसको रटना हो और उसी जगह पर एक श्लोक रटना हो, गीत की कुछ पंक्तियां बोलनी हो। आप लोग तो अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, तो आपको कैसी गीत की पंक्तियां याद आ जाती हैं जो कभी 2, 3, 4 साल की अवस्था में भी आपने सुने थे, याद आ जाते हैं ना। तो इससे क्या पता चलता है, जो बात संगीत में होकर के सामने आती है वो बात मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए सारे के सारे वेदों में एक लयबद्धता है, बहुत अधिक काव्य का स्वरूप उसमें दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो उपनिषद हों, पुराण हों, महापुरुषों के जीवन चरित्र हों, रामायण है, महाभारत है ना, गीता है, ये सारे के सारे ग्रंथ किस में लिखे हुए हैं? श्लोकों में, काव्य के रूप में लिखे गए हैं। क्योंकि जो चीज़ काव्य में आएगी वो जल्दी से याद होगी, ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। इतनी बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से इन सब चीज़ों को रखा गया है। तो आइए सबसे पहला श्लोक हम लोग मिल करके एक साथ उच्चारण करते हैं और फिर हम उसका सामान्य अर्थ समझते हैं। हमारे स्वाध्याय का जो क्रम रहेगा वो सामान्य से विशेष की ओर रहेगा। हम जो भी पढ़ेंगे पहले उसका सामान्य अर्थ देखेंगे, फिर आप क्या प्रश्न करते हैं आपके प्रश्न के आधार पर हम उसके विशेष अर्थ को देखेंगे। तो पहला श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 श्लोकों में सारी दैवी संपद बता दी। गिन करके बताइए, सबसे पहली दैवी संपद क्या है? अभयम। दूसरी सत्व संशुद्धि, ठीक है। तीसरी ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन दया और भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ही अचापलम। इतनी सारी बातें बताई ना, और आगे तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहः नातिमानिता। इतनी सारी जो बातें बताई, ये जो लक्षण है ये दैवी संपत्ति से युक्त मनुष्य के लक्षण है। सबसे पहला लक्षण क्या बताया? अभयम। अभयम का अर्थ क्या है? न भयम अभयम, यानी कि निडर, निडरता। और जो निडरता से युक्त मनुष्य है वह कैसा मनुष्य कहलाएगा? दिव्य मनुष्य। दैवी संपत्ति से जो युक्त हो गया वह मनुष्य कैसा हो गया? दिव्य मनुष्य हो गया। और दैवी संपत्ति सबसे पहली कौन सी है? अभयम है, ठीक है। तो अभयम अर्थात भय रहित। तो कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि कभी पूर्ण रूप से भय रहित हुआ जा सकता है या होना भी चाहिए? सोच सकते हैं हम? हो सकते हैं? तो अभय रहना चाहिए या भय थोड़ा बहुत रहना चाहिए? थोड़ा बहुत रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? गलत कार्य ना करें। और यदि वो हमारे अंतरतम में ये ज्ञान इतना बस जाए कि हम गलत कार्य करें ही ना, तो भी क्या भय की आवश्यकता है? आपने कहा कि भय इसलिए रहना चाहिए ताकि हम गलत कार्य ना करें। ये प्राथमिक स्तर पर वास्तविकता है। क्योंकि भय नहीं होता है तो हम कई बुरे कार्य कर लेते हैं जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव दिखाई देता है। और कई प्रभाव ऐसे होते हैं जिसको हम इस जन्म में ठीक कर भी नहीं सकते, है ना। तो भय होना चाहिए। पर क्या ये अंतिम सत्य है? नहीं। वास्तव में आप अंदर से चाहते क्या हैं? हम सब चाहते क्या हैं? हम भय युक्त हों या भय से मुक्त हों? भय से मुक्त हों। और जो भय चाहते भी हैं वो भी किस लिए चाहते हैं? ताकि आगे चल करके हमको कोई हानि ना हो, हम हमेशा के लिए भय मुक्त हो सके, इसीलिए थोड़ा बहुत भय चाहते हैं, है ना। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
अभय अर्थात भय से रहित हो जाना। जो व्यक्ति भय से रहित हो गया यानी कि वो प्राथमिक सोपान से अगली वाली सीढ़ी पे पहुंच चुका है। पहली सीढ़ी है कि हमें थोड़ा थोड़ा भय होना चाहिए जिससे कि हम गलत कार्यों से बच सकें। लेकिन उसकी अगली सीढ़ी क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, कि हम गलत काम ना करें और साथ ही साथ वो जो भय था ना उस भय से भी ऊपर उठ जाए, हमें भय रहे ही ना, है ना। व्यक्ति को भय किस किस चीजों का होता है, मैं और मेरा, मैं नष्ट हो जाऊंगा या मेरा अपमान हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेरी जो वस्तुएं हैं उन पर कोई हानि हो जाएगी, इन्हीं चीजों का भय रहता है। या तो मेरा कोई अपमान कर देगा, शारीरिक स्तर पर मेरे शरीर को कोई हानि पहुंचा देगा, मानसिक स्तर पर मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, मेरा अपमान कर देंगे, मेरा सम्मान नहीं करेंगे, है ना। वाणी के स्तर पर मुझे कोई उल्टा उल्टा बातें भी बोल सकता है, इन सब चीज़ों का भय रहता है। ये भय कब नहीं होगा, यदि व्यक्ति आत्मिक रूप से पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य करे और अपने आप को इतना अच्छा बना ले तो क्या भय रहेगा, नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भय तो उसी का होता है जो गलतियां करता है। वास्तव में जो गलतियां नहीं करता है उसे भय नहीं होता है। और यदि गलतियां ना करने पर, सब कुछ अच्छा करने पर भी उसे कोई तकलीफ होती है या कोई कष्ट पहुंचता है तो वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करता है। उसे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है इसीलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अंततोगत्वा हम किस चीज में स्थिर हो जाते हैं, निर्भयता की स्थिति में स्थिर हो जाएं। और निर्भयता की स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर हो गया वह दैवी संपत्ति से युक्त हो गया अर्थात वह दिव्य हो गया। तो हमें सामान्य से दिव्य बनने की ओर चलना है तो अभयता को धारण करना होगा, और अभयता को धारण करना है तो अपने आप को, अपने आप को दोष से मुक्त करना होगा, तभी ना हम भय से मुक्त होंगे। जो व्यक्ति दोष से युक्त होता है भय उसी को होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 लोग लगभग हों और 100 में से 2, 3 या 4 लोगों ने कुछ किसी का सामान उठा लिया हो, चोरी कर ली हो, फिर यहाँ पर हम कोई ऐसी वस्तु या ऐसी एक टेक्निक लेकर के आ जाएं जिससे हम ये जान सकें कि किसने चोरी की है, तो कौन डरेगा, जिसने चोरी की है या जिसने चोरी नहीं की है, जिसने चोरी की है। तो भय का कारण क्या है, गलत काम है ना भय का कारण। तो हम अभय कैसे हो सकते हैं, हम गलत काम ना करें तो अभय हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कक्षा में किसी एक बहन ने किसी दूसरी बहन को अपशब्द बोल दिए, ठीक है, और हमने सबकी क्लास लगा दी कि बताओ ये अपशब्द किसने बोला, तो कौन डरेगा, जिसने अपशब्द बोले। क्यों, जिसने गलत काम किया डर उसी को लगेगा, है ना, क्योंकि उसी को दंड मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से भय होता ही तब है जब हम अंदर से दोष युक्त होते हैं, अपूर्ण होते हैं। यदि हम दोष मुक्त हो जाएं तो हमें भय नहीं रहता। और हम कहीं पर भी यदि अपने आप को भयभीत पाते हैं ना तो हमको समझ जाना चाहिए कि भले ही हमें दिख ना रहा हो लेकिन कोई ना कोई दोष हमारे अंदर बाकी है जिसे हमें ठीक करना है। समझ आई बात। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द के माध्यम से क्या बोला, एक शब्द अभयम, उसके माध्यम से हमें क्या बताया कि हमें दोषों से मुक्त रहना है, गलत काम नहीं करने हैं। और जब नहीं करेंगे तो अपने आप ही हम कैसे हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, है ना। तो गलत काम कहाँ कहाँ से कर सकते हो, कर्म करने के कितने कितने साधन हैं, कौन कौन से हैं। शरीर है कर्म करने का साधन, शारीरिक सामर्थ्य होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास। फिर दूसरा साधन क्या है, वाणी है, है ना। और तीसरा साधन क्या है, मन है। तो 3 है साधन हमारे पास कर्म करने के, एक शरीर, वाणी, मन। या तो हम शरीर से कर्म करते हैं, या तो हम वाणी से कर्म करते हैं, और या तो हम मन से कर्म करते हैं। शरीर से
अपने हाथ पांव आदि के द्वारा हम कर्म करते हैं, वाणी से हम बोलने का काम करते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है, किसी भी प्रकार से जो भी हम बोलते हैं वो सारा वाणी का कर्म है ना, जो कि हम प्रतिदिन करते हैं। और मन से क्या काम करते हैं, विचार करने का काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, बहुत तरीके से हम उससे काम लेते हैं। तो इन तीनों ही माध्यमों से हमसे दोष ना हो तो हम कैसे हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। तो ये जो तीन हमारे साधन हैं कर्म करने के, मन वाणी और शरीर, इन तीनों ही माध्यमों से, शरीर के माध्यम से हम किसी को पीट देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं, वाणी के माध्यम से हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं और चुगली करते हैं, व्यर्थ का वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, ये सब किसके दोष हैं, किसके दोष हैं, ये वाणी के दोष हैं कि नहीं है। शरीर के दोष क्या क्या बताए थे, किसी को पीट दिया, बैठे हैं कहीं पर और कहीं पर सभा में बैठ करके मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी को अपने हाथ से उसको परेशान कर रहे हैं, उसका ध्यान भंग कर रहे हैं, कक्षा में बैठे हैं हमारा मन लग नहीं रहा है और अपने मन के न लगने पर दूसरे का भी मन नहीं लगने दे रहे, ये सब किसका दोष हो रहा है, दोष हो रहा है ना शरीर का। खुद से हम गलत कार्य करते हैं और अपने साथ ही साथ दूसरों से भी करवा देते हैं या उनको हम बाधा पहुंचाते हैं। तीसरा, हम मन से कैसे दोष करते हैं, मन ही मन हम किसी से बदला लेने की सोचते रहते हैं, मन ही मन किसी से ईर्ष्या करते रहते हैं, अच्छा इसको तो जो है ज्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे भी तो मिलना चाहिए था, है ना। फिर मन ही मन हम योजनाएं बनाते रहते हैं पर उनका पालन नहीं करते, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं मन ही मन। वो आपने शेख चिल्ली की कहानी सुनी है, मन ही मन स्वप्न देखता रहा, नहीं सुनी आपने। एक शेख चिल्ली था, उसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसने कि मैं एक बकरी लाया हूँ, इस बकरी के बच्चे होंगे, बकरी के बच्चों को बेच करके मैं भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस के भी बच्चे होंगे, भैंस दूध देगी, फिर दूध बेच करके मैं जो है एक बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमाऊंगा तो फिर मेरा विवाह हो जाएगा, मेरा विवाह हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चे होंगे, तो मेरा एक बच्चा इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, फिर मैं उनको जो है उसको डांटूंगा और डांटूंगा, नहीं मानेगा तो मैं उसे मारूंगा। तो इसी के चलते उसने अपना पैर चला दिया और सामने बेचारे के घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ था मटकी में, मटकी फूट गई, आटा गिर गया, तो जो थोड़ा सा खाने पीने का सामान था वो भी समाप्त हो गया और स्वप्न ही स्वप्न में उसने ये सब देख लिया। फिर जो उसके पास वाला व्यक्ति था वो उसको देख ही रहा था, फिर क्या किया उसने, रोने लग गया शेख चिल्ली। क्या हुआ, दूसरे ने पूछा, तो कह रहे हैं अरे मेरा तो जो है सब लूट गया। क्या लूट गया, मेरे तो बच्चे भी हो गए थे, मेरा तो इतना भरा पूरा परिवार था, सब लूट गया। कहाँ लूट गया, बोले मैं सोच रहा था कि मेरी बकरी होगी, बकरी के बच्चे होंगे, वही पूरी श्रृंखला। तो ये क्या है, सिर्फ सोचते रहना, करना कुछ नहीं, आलसी बन करके वो खाट पे पड़ा हुआ था इसीलिए उसे कुछ मिला नहीं। पूरी कहानी बाद में सुनाऊंगी, है ना, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको। तो फिर इस तरीके से काम करने से व्यक्ति के काम सिद्ध होंगे क्या, तो यही है। तो मन से अनर्गल सोचते रहना, व्यर्थ ही सोचते रहना और किसी बात को बिना ही बात के बड़ा बना देना मन ही मन सोच करके, ये सब मन के दोष होते हैं। तो हम यदि मन वाणी और शरीर के दोषों से मुक्त हो जाएंगे तो हम निर्भय तो अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए हमें किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो अभय है ना, ये सबका मूल है, सबसे मुख्य भी है। और अगला शब्द क्या कहा, वैसे हमने सोचा है कि हम पहले सामान्य अर्थ जानेंगे, तो अभी सिर्फ अभय शब्द के ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा विचार किया है, परंतु बाकी सारे श्लोकों के सामान्य अर्थों को ही हम पहले जानेंगे। तो अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व मन और उसकी संशुद्धि, यानी कि मन की संशुद्धि।
जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो वह व्यक्ति कैसा होता है? सत्व संशुद्ध युक्त मानस वाला मनुष्य कैसा होता है? दिव्य होता है। अभय मनुष्य कैसा होता है? दिव्य होता है। ऐसे ही ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसके दो अर्थ करते हैं, ज्ञाने योगे च व्यवस्थिति और ज्ञानाय योगी व्यवस्थिति। ज्ञान में अवस्थित रहना ये किसका लक्षण है? दिव्य मनुष्य का लक्षण है। योग में अवस्थित रहना ये किसका लक्षण है? दिव्य मनुष्य का लक्षण है। ज्ञान में अवस्थित रहने का मतलब है कि सर्दी का मौसम है और हमारे सामने आइसक्रीम रखी हुई है और हमको ज्ञान है कि भाई मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा और मुझे कल गीत गाना है ना। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम आती है हमारे सामने हमारे मन पसंद की और हमारा मन भूल गया, हमारी बुद्धि सब भूल गई कि इससे मुझे हानि भी हो सकती थी, तो ये क्या हुआ? ज्ञान में अनवस्थिति है ना, हम ज्ञान से अलग हट गए। और अवस्थिति का मतलब क्या है? कि हमको ध्यान रहा, हमने नियंत्रण भी किया और हमने नहीं खाया। तो वो जो ध्यान रहना है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है या ये कार्य अच्छा नहीं है, यह सत्य है या असत्य है, इस प्रकार की जो अवस्थिति है उसे कहते हैं ज्ञान में अवस्थिति। ऐसे ही परीक्षा का समय आ रहा है परंतु कोई बहुत अच्छा सा खेल चल रहा है या मूवी चल रही है मान लीजिए, और आपकी क्लास की परीक्षा है, बाकी सारे कक्षाओं के बच्चे जो है वो टीवी देख रहे हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं, सोचते चलो छोड़ो 15 मिनट देख लेते हैं, फिर वो 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा बीत जाता है समय। इसकी स्थिति को कहते हैं ज्ञान में अनवस्थिति। और इससे विपरीत क्या है कि हम देख भी रहे हैं, टीवी चल रही है, हमें पता है नहीं इस समय नहीं, टीवी तो कभी भी मिल जाएगी, मेरा तो पूरा जीवन बाकी पड़ा है, हमेशा थोड़े ना मुझे परीक्षाएं देनी है, हमेशा थोड़े ना मेरा जो है ये सारा विद्यार्थी काल रहेगा। तो उस समय ज्ञान में अवस्थित हो जाना ये क्या है? ज्ञाने अवस्थिति ही, योगे अवस्थिति। योग कहते हैं समाधि को, योगः समाधि, महर्षि व्यास ने बताया है ना योग दर्शन के व्यास भाष्य में। और समाधि कहते हैं एकाग्रता को, तो एकाग्रता में अवस्थित हो जाना, या यूं कहें कि मन की चंचलता को दूर करके किसी एक चीज पर ही ध्यान को केंद्रित करना, इसे कहते हैं योग। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञान में अवस्थित जो व्यक्ति है उसे कैसा कहेंगे हम? कैसा मनुष्य होगा वो? दिव्य मनुष्य। योग में जो अवस्थित होगा उसे क्या कहेंगे हम? दिव्य मनुष्य कहेंगे। तो दिव्य मनुष्य के 4 लक्षण आपने देख लिए। पहला लक्षण क्या है? अभयम। दूसरा लक्षण क्या है? सत्व संशुद्धि। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। इसी को कुछ लोग ज्ञाने व्यवस्थिति और योगे व्यवस्थिति ऐसा भी समझते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए दानम। तो दिव्य व्यक्ति का अगला लक्षण क्या बताया? दानम। वो कैसा होता है? दानशील होता है। उसका स्वभाव होता है दान करने वाला। जो उसको नितांत आवश्यक है उसका तो प्रयोग करता है, पर अतिरिक्त वस्तुओं को उन लोगों को दे देता है जिनको उनकी आवश्यकता है। जब हम छोटे होते हैं ना, लगभग 9-10 साल की उम्र से 11-12 साल की उम्र तक, और थोड़ा कई लोगों का तो और भी स्वभाव बन जाता है, तो पता है हमारी संचय की प्रवृत्ति होती है। आपको याद है या अभी भी आप में से कुछ करते होंगे, जो भी थोड़ा सा मिल जाए, कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए तो ले जा करके अपनी अलमारी में सजा लेते हैं, है ना, इकट्ठी करते रहते हैं। कोई अच्छा डिब्बा दिख गया तो उसे इकट्ठा कर लिया, विद्यार्थी है ना आप इसलिए बता रही हूँ आपको, तो हम उनको इकट्ठा करते रहते हैं, सजाते रहते हैं। तो ये संचय की प्रवृत्ति हमारी बाल्यकाल से ही होती है, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो कुछ लोग तो विवेक पूर्वक ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ें संचय के योग्य नहीं हैं उनका संचय नहीं करना चाहिए, पर कुछ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो, आप उनके घर में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे वस्त्रों की पूरे ढेर लगे हुए दिखाई देंगे, जूते चप्पलों के ढेर लगे हुए दिखाई देंगे। और आजकल की व्यवस्था में तो इसे स्टेटस का
सिंबल माना जाता है कि ये अच्छे स्टेटस वाले लोग हैं, जिनके पास ढेर सारे कपड़े हैं, जिनके पास ढेर सारे संसाधन हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनको दिव्य नहीं कहता, वो बेवकूफ़ है, पूर्ण रूप से बेवकूफ़ है। जितना प्रयोग नहीं कर सकते उतना आप इकट्ठा कर रहे हैं, और बाई चांस यदि उनमें कोई आग वगैरह लग गई या वो समाप्त हो गए तो आपको क्या होगा, दुख होगा, तो बेकार का दुख हो रहा है ना वो। तो तभी कह रहे हैं दानम, जो दान करता है, दानशील है, वह मनुष्य कैसा होता है, दिव्य मनुष्य होता है। तो दिव्य मनुष्य के लक्षण क्या है, दान करना, ना कि संचय करना, आवश्यकता से अधिक संचय करना अदिव्य मनुष्य के लक्षण है, और दान करना ये दिव्य मनुष्य के लक्षण है। इसीलिए हमारे धर्म में दान की बहुत बड़ी महिमा है। जब आपका उपनयन हुआ तो आपसे क्या कहा गया था, दान मांग करके लाओ, भिक्षाम में देही, मांगा था ना आपने। तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारा जो पूरा एक ढांचा है समाज का, उसमें दान एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दान देना और दान लेना ये दोनों ही ब्राह्मण के धर्म में आते हैं। जो लोग ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उनका ये भी एक गुण होता है कि वो दान लें और दान दें। तो अगला गुण इन्होंने दानम बताया, दानम। दमश्च, दम किसको कहते हैं, इंद्रियों के दमन को, इंद्रियों के नियंत्रण को, ज्ञान इंद्रियों के नियंत्रण को दम कहते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वह व्यक्ति दिव्य होता है। अब कई बार जैसे किसी ने किसी को अपशब्द बोल दिया, फिर शिक्षक ने बुलाया कि आपने ऐसे क्यों बोला, तो बोलते हैं हमने बोला थोड़े ही था, वो तो निकल गया था, ऐसा बोलते हैं ना। ओम शांति 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 ही।